और किसी की समाधि तोड़ना या किसी के लिए गलत बोलना उत्तमता नहीं। श्री महापुराण कहती है, श्री तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है, क्यों तोड़ना किसी बाबा जी है तो चले जाने की जरूरत नहीं है। तो इतना अच्छा व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था थी, और बहुत आप लोग भी यहाँ दो दिन से, हमें तो मालूम पड़ा कि एक दिन पहले ही आ गए थे आप लोग, तो आप इतने दिन से रुके हुए हो, तो आप लोगों को तंदर लगा होगा, महाप्रसाद भी बहुत सब आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं, भाव के साथ उसको खा रहे हैं। यही शिव शिव कथा गुजरात की कथा 29 तारीख को समापन हुई, विराम हुई, और 30 को यहाँ दो दिन की ईश्वरी शक्ति हुई। 3 तारीख से वापिस बुरहानपुर में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 2 बजे आस्था चिन्ह पर। अब बीच में 2 दिन विश्राम के लिए लिए थे कि थोड़ा, पर विश्राम सतुआ बाबा के पावन प्रागण्य में बाबा ने खूब अच्छे से किया, कोई कमी नहीं। घर के लोग कहे थे कि तारकासुर को मारना बेटे का जन्म, और वो तारकासुर मरेगा क्या, उसने मांगा है कि मैं भगवान शिव के पुत्र के द्वारा बेटे के, ध्यान देना जरा, कथा का विराम दे, जितना समय आपको मिल जाए मौन रहकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लो, फिर इसके बाद 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि क्या मिलेगा। बड़ी मुश्किल से कहीं आपके पशुपति व्रत, कहीं आपका पुण्य आड़े आ गया, इसलिए ये कथा दिल से प्रयागराज की धरा, गंगा मैया का तट, गंगा मैया का तट, कोई जन्म लिया उस दिन से लेकर मरा तब तक लोग कहते रहे मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु।
बंधु, मेरा पता, मेरा कुटुंबी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, और आया स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मिश्रा जी का तमाम देख पाइएगा हमारे पीछे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई साहब संगम समावेश हो गया है सभी श्रद्धालुओं का।